दिल्ली पर हमले की धमकी दे रहा था। अभी हाल ही में जो धर्मांतरण की खबरें निकल कर सामने आई है यूपी ATS के ऑपरेशन के बाद, उसमें भी आपने देखा कि जो डेफ एंड डम मूक और बधिर बच्चे हैं उनको मुसलमान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। तो मूक बधिर बच्चों पर आतंकियों की निगाहें कई साल पहले से हैं, ये जैश ए मोहम्मद की घटना से साबित होता है। कश्मीर घाटी में ऐसे बच्चों को आतंक की तरफ धकेलने की कोशिश कई साल से चल रही थी। अब इसी मॉडल का इस्तेमाल क्या देश में होने वाला था? ये सवाल और खुलासा दोनों ही हो रहे हैं हिंदू से मुसलमान बने उमर गौतम की पूछताछ से, जो अब यूपी ATS की गिरफ्त में है। उसने जिस तरीके से दिव्यांग बच्चों का धर्मांतरण करने का कार्यक्रम शुरू किया वो बहुत बड़े खतरे की घंटी बजा रहा था। इन बच्चों को प्रलोभन देकर अपने साथ मिलाया जाता था, इनका धर्म परिवर्तन किया जाता था, इनको छोटी मोटी नौकरियां देकर इनको प्रभावित करते थे और फिर इनका इस्तेमाल किसी बड़े खतरनाक आतंकी मंसूबे को पूरा करने के लिए किया जा सकता था, ऐसा जांच एजेंसियों का दावा है। क्या इसी बोली से आदित्य को लुभाया गया? क्या इन्हीं तकरीर से मुन्नू यादव को फुसलाया गया? क्या ये सिर्फ धर्मांतरण का रैकेट है या इसके पीछे है बच्चों को बहलाने की बड़ी साजिश? ये कानपुर के दिव्यांग आदित्य गुप्ता उर्फ अब्दुल की तस्वीर है, जो साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट से बातचीत में इशारे इशारे में पूरा सूरत हाल बता रहा है। सामने आया कि आदित्य उमर गौतम के संपर्क में था, नौकरी का लालच देकर उसका धर्म बदला गया। धर्मांतरण के बाद उसे दिल्ली से लेकर केरल तक भेजा गया। अब आदित्य पुलिस के लिए अहम सबूत है। यूपी ATS की जांच में खुलासा हुआ है कि आदित्य के स्कूल में राघव आलम नाम के टीचर ने कई लोगों का धर्म बदलवाया। उसने 2017 में हमारे यहाँ से हाई स्कूल पास किया, उसके बाद उसका और कोई संबंध नहीं है। तो 2019 में पास किया। तो प्राइवेट भरा था, हमारे यहाँ सेंटर था, हमारा स्टडी सेंटर उसने हमारा विद्यालय का डाला था और PCP क्लास अटेंड करने के लिए बीच बीच में आता था। कानपुर के तार नोएडा से भी जुड़े हैं। फिलहाल नोएडा डेफ सोसाइटी बंद है। इसी डेफ सोसाइटी से टीचर कानपुर पहुंचा था। पुलिस को शक है कि ये सोसाइटी भी धर्मांतरण के रैकेट में शामिल है। जांच में सामने आ रहा है कि मूक बधिर बच्चे खास तौर पर निशाने पर रहते थे, इसलिए ऐसे स्कूलों में टीचर ही धर्मांतरण की नींव रखते थे। जानकारी आ रही है कि इस रैकेट के तार 24 राज्यों से जुड़ रहे हैं। या तो राज्यों की संख्या बढ़ सकती है या राज्यों के अंदर संख्या बढ़ सकती है, तो अब 24 राज्यों की बात प्रकाश में आया। गिरफ्तारी के वक्त मौलाना के पास से एक रजिस्टर भी बरामद हुआ है। इस रजिस्टर में लगभग 1000 लोगों के धर्मांतरण का ब्यौरा दर्ज है। इस रजिस्टर से पता चलता है कि न केवल हिंदू बल्कि ईसाई, जैन और सिख धर्म के बच्चों का भी बड़ी संख्या में धर्मांतरण हुआ है। इस मामले पर योगी सरकार सख्त है। यूपी के कानून मंत्री का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बड़ा लंबा रैकेट प्रकाश में आया है। करीब 1000 से अधिक लोगों का जबरन प्रलोभन देकर के धर्मांतरण कराया गया है। उनके नाम धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। इंटरनेशनल कुछ संस्थाओं के भी नाम आए हैं, इंटरनेशनल फंडिंग की भी बात सामने आ रही है, लेकिन चूंकि जांच चल रही है इसलिए अभी सब कुछ कहना उचित नहीं होगा। पुलिस अब विदेशी फंडिंग ही नहीं बल्कि टेरर फंडिंग के सिलसिले में भी जांच कर रही है। ATS को इस बात की आशंका है कि जिन मूक बधिर बच्चों का धर्मांतरण किया गया उनका आतंकवादी और जिहादी घटनाओं में भी इस्तेमाल करने की कोई साजिश थी। इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क हो सकता है और अब पुलिस इसी नेटवर्क की पड़ताल करने में जुटी हुई है। दिव्यांग मुन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान का परिवार भी धर्मांतरण के पाकिस्तान कनेक्शन का आरोप लगा चुका है। मतलब इस तरह से कर देता, पाकिस्तान से भी आ रहे थे? जी हाँ, पाकिस्तान से एक फोन आया था, मेरी खुद बात हुई थी और मैंने बताया भी था। क्या कह रहे थे फिर वो? वे मेरे को जिस दिन ये आया था मेरे पास, शायद अप्रैल में आया था फोन, जिस दिन लड़का यहाँ से पहली बार घर से बाहर गया था उसी दिन ही फोन आया था मेरे पास रात को तकरीबन 9-10 बजे करीब, कि भाई क्या कर लिया बच्चे को ले जाके घर से, क्या नाम है, रोके क्या कर लिया। मतलब जिस दिन घर से निकला उसी दिन ही फोन आ गया। एक वीडियो में उमर गौतम दावा करता हुआ नजर आ रहा है कि कैसे वो इस्लामी नेटवर्क की बदौलत पूरी दुनिया घूम चुका है। अब यही बयान खुद उमर गौतम के खिलाफ जा रहा है। ये बयान उस नेटवर्क की पोल खोल रहा है जो पूरे देश में फैला है और जिसकी मदद के लिए विदेशों का नेटवर्क काम करता रहा है। दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी के साथ लखनऊ से रणबीर और संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट।
तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे दिव्यांगों का धर्मांतरण किया जा रहा है। और ये जानकारी भी मिल चुकी है कि सारा काम उन्हें आतंकवादी बनाने की कोशिशों के लिए किया जा रहा था। अब आप जानिए कि आतंकियों के इस मॉडल की तरफ बढ़ने की दरअसल वजह क्या है, क्यों दिव्यांग। एक बहुत बड़ा कारण तो ये है कि उनका ब्रेन वॉश करना आसान होता है। दूसरा कारण ये कि दिव्यांगों का आम दुनिया से नाता अक्सर कम होता है, ऐसे में उनकी नाराजगी या गुस्से को गलत दिशा दे देना किसी के लिए आसान होता है, यानी वही ब्रेन वॉश करना। और तीसरा कारण ये कि सुरक्षा बलों को दिव्यांगों पर शक नहीं होता है, वो बड़ी आसानी से किसी बड़ी हरकत को अंजाम दे सकते हैं। और चौथा और महत्वपूर्ण कारण ये कि अगर ये दिव्यांग पकड़े भी गए सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा तो मूक बधिर होने के कारण उनसे पूछताछ करना एजेंसियों के लिए आसान नहीं होता है। ऐसे बच्चों के धर्मांतरण का आरोप हिंदू से मुसलमान बने उमर गौतम पर है। हालांकि उमर गौतम की बेटी है, उनका ये कहना है कि उसके पिता का धर्मांतरण से कोई वास्ता नहीं है, वो ये काम नहीं करते हैं, ना किसी गलत काम से उनका कभी कोई नाता रहा है। लेकिन एक शिक्षिका की सफाई आई है जो उमर गौतम की बेटी के तमाम तर्कों की धज्जियां उड़ा देती हैं। देखिए उमर गौतम की बेटी और शिक्षिका कल्पना दोनों की आपस में विरोधाभासी बातें। तो जो 1000 केसेस के बारे में बोल रहे हैं वो सारी डॉक्यूमेंटेशन के केसेस हैं, कन्वर्जन से कोई लेना देना नहीं है। और IDC सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंस के लिए रिवर्ट्स की हेल्प करता था, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। सर ये सन 2020 में फरवरी में सर आए थे कुछ मौलाना यहाँ पे, 20 से 25 मौलाना थे सर। फिर वहाँ से हम लोग को ऊपर से बुला लिया गया, फिर हम लोग नीचे बैठे तो उन्होंने कहा कि बैठ जाइए, तो हम बैठ गए सर। फिर उसके बाद हमको मोटिवेट करने लगे थोड़ा सा बातों में अपने, कि हमारे धर्म में अगर मतलब कोई अपनाएगा, आप अपनाएंगे हमारे धर्मों को तो आपको बहुत बेटर फील होगा, हम बहुत हेल्प करते हैं। तो सुना आपने, दोनों ही तर्क हैं, दोनों की अपनी अपनी सफाइयां भी हैं। परिवार का कहना है कि उमर गौतम का बच्चों पर असर डालना या धर्मांतरण में कोई हाथ नहीं है। वहीं टीचर कल्पना ये कहती हैं कि ये नेटवर्क बच्चों पर असर डालने की हर मुमकिन कोशिश करता था। विरोध करने पर उसे जब टीचर ने ये विरोध किया कि आप बच्चों को क्यों मोटिवेट कर रहे हैं या प्रलोभित कर रहे हैं, तो उस टीचर ने कल्पना को स्कूल ने नौकरी से निकाल दिया। मुझे नहीं लगता कि इन 21st सेंचुरी कोई भी ब्रेन वॉश हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। और जो डेफ एंड डम के बारे में बात कर रहे हैं वो बेबुनियाद है, कोई एविडेंस नहीं है। हाफिज जो है पढ़ाते हैं अपना यही अरबी उर्दू, तो सर मैंने थोड़ा कंजेक्शन किया था कि ये जो LKG UKG में टीचर है, मदर टीचर अना मैम, ये वहाँ पे बराबर मतलब बच्चों को नमाज सिखाती थी, तो मैंने थोड़ा कंजेक्शन किया था कि अगर आपको पढ़ाना है तो मुस्लिम बच्चों को पढ़ाइएगा, हमारे हिंदू बच्चों को अलग कर दीजिए क्लास में। तो इनको बहुत बुरा लगा, फिर इस वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी बेइज्जती की। तो सर वहाँ जो है तालीम देते हैं, कहते हैं हम अपने बच्चों को दे रहे हैं लेकिन हमारे बच्चे भी वहाँ बराबर करते हैं। क्या किस तरह का बच्चों दबाव बनाया था उर्दू पढ़ने के लिए? सर एक साथ बैठाते हैं, एक साथ जब उनको पढ़ाएंगे तो बच्चे तो फॉलो करेंगे ही ना करेंगे। UP में धर्म बदलने के इस गोरख धंधे में बहुत बड़ा ये सब खुलासा है। इसमें धर्मांतरण का मामला बिल्कुल सीधा साधा इतना नहीं है। इस रैकेट से जुड़ा हुआ था विवादित मुस्लिम प्रचारक जाकिर नायक का संगठन, वो जाकिर नायक जो भारत के बाहर छिपा बैठा है। दरअसल आतंक का कनेक्शन मजहब के नाम पर लोगों को उकसाने और बहलाने से जुड़ा हुआ है। आतंक की इस नई कड़ी की तिकड़ी में पहला नाम उमर गौतम का है, जो लोगों को बहलाकर उनको धर्म परिवर्तन के लिए तैयार करता था, जैसा कि हम लगातार बीते 3 दिनों से बताते आ रहे हैं। दूसरा नाम अब जाकिर नायक का सामने आया है, जो मजहब के नाम पर लोगों के दिलों में दूसरे धर्म के लोगों के लिए नफरत पैदा करने का काम करता था, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंसक हों और उनकी हिंसा आतंक के काम आ सके। और फिर आखिर में आते हैं पाकिस्तानी आतंकवादी, जो हिंदुस्तान के ऐसे लोगों से मिलकर धर्मांतरण करने वालों को आतंक की फैक्ट्री में धकेलना चाहते थे और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। दरअसल ये पूरा एक नेटवर्क है जो बहुत शातिराना अंदाज में काम कर रहा था, लेकिन उमर गौतम की गिरफ्तारी से इनका नेटवर्क बेनकाब हो चुका है। आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। यह है उमर गौतम,
जिस पर धर्म के धंधेबाज होने का आरोप लगा है, और ये है जाकिर नायक जिस पर नफरत फैलाने का आरोप लगा है। अब सामने आ रहा है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जाकिर नायक पर आरोप है कि वो अपने भाषणों से जिहाद की जमीन तैयार करता था, वहीं उमर गौतम पर आरोप है कि वो सिपह सलार बढ़ाने के लिए धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाया करता था। हमारा दोस्त था गोरखपुर का रहने वाला यादव घराने का, उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा, और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ तक अल्लाह तबारक तआला की तौफीक हासिल होगी। जांच में पता चला है कि धर्मांतरण रैकेट के तार इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के जाकिर नाइक से भी जुड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक उमर गौतम जाकिर की संस्था के लोगों के संपर्क में था। जाकिर की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के वकील फैज सैयद लगातार उमर के संपर्क में था। पूछा इसको लेकर, जाकिर नाइक को लेकर, तो ये तो कांग्रेस और उनके समर्थित दलों का पाला हुआ कहीं ना कहीं प्यादा था, और इसी को पाल पोस कर उन्होंने बड़ा किया था, और उससे निकले हुए ये रूट हैं जो आज धर्म परिवर्तन की बातें आ रही, धर्मांतरण कराते हुए लोग मिल रहे हैं, ये इनके कनेक्शन सीधे उसी से जुड़ते हैं। जाकिर नाइक पर आरोप है कि वो युवाओं को उकसाकर आतंक की तरफ बढ़ाता था। जब से ये आरोप लगे हैं, जाकिर नायक गिरफ्तारी से बचने का हर पैंतरा अपनाता रहा है, लेकिन अब सामने आ रहा है कि वो पर्दे के पीछे से अब भी एक्टिव है। आपने कहा जाकिर नायक को यहाँ तक क्यों नहीं लाई, ऐसा है प्रभाव नहीं है, वो भगोड़ा है, भागा हुआ है। हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बाकायदा डायलॉग्स कर रहे हैं और बहुत जल्दी उसको यहाँ पर लाएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा दोषी है। उसने पता नहीं कितने और काम यहाँ पर ऐसे किए हैं जिसके बारे में एनआईए ने और तमाम एजेंसियों ने रिपोर्ट दे रखी है। जैसे ही उसको लाएंगे वो भी खुलासा आपके सामने होगा। हमारी सरकार में इस तरह के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि वो भगोड़ा है, भागा हुआ है, उसको लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात कर रही है सरकार। सिर्फ इतना ही नहीं, धर्मांतरण रैकेट के तार जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से भी जुड़ने का आरोप लग रहा है। पुलिस को आशंका है कि जैश न सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने बल्कि कट्टरता को बढ़ावा देकर नए आतंकी सेल बनाने की फिराक में था। हालांकि पुलिस अभी खुलकर कुछ नहीं बोल रही। जो लोग कन्वर्ट किए गए हैं, कहा जा रहा है कि उनको हथियारों की भी ट्रेनिंग दी गई, हथियार चलाना भी सिखाया गया, ऐसे भी कुछ इनपुट मिले। इस संबंध में अभी कोई साक्ष्य ऐसे नहीं मिले हैं जो हम आपके साथ शेयर कर पाए। सूत्रों के मुताबिक आतंकी कनेक्शन जांच के दायरे में है। तो धर्मांतरण के नाम पर आतंक को फैलाने की कोशिश कर रही थी, बार बार यूपी पुलिस ऐसे दावे कर रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।